अंबेडकर के दुश्मन वीडियो भाग दो। बाबा साहब अंबेडकर के बर्थ से पहले 129 जो बर्थडे था उससे पहले एक वीडियो बनाई थी। टाइटल था अंबेडकर बाद को बचाना है तो, या अंबेडकर के दुश्मन भाग एक। उसमें जो मैंने बातें कही और जो बातें बताई वो बातें बहुत सारे लोगों को अच्छी लगी, कुछ लोगों को खराब लगे। मेरे फेसबुक पेज पे ये जो पोस्ट है इसमें कमेंट में है, और बाकी जो बातें हुई हैं वो मैं यहां आपको दिखाऊंगा। एक सज्जन महाराष्ट्र से लिखते हैं कि आपका संगठन पक्ष क्या है, आप किस संगठन के हैं। मैंने उनको कहा कि जितने भी अंबेडकर आइडियोलॉजी पे या बुद्ध की फिलॉसफी पे जितने भी संगठन हैं वो सारे मेरे हैं। बोले नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, आप अपने संगठन का नाम बताइए। मैंने कहा सारे संगठन मेरे हैं, अगर वो अंबेडकर आइडियोलॉजी पे हैं या बुद्ध की फिलॉसफी पे हैं, और ये 14 अप्रैल तक ही मेरे हैं। अगर ये सारे इकट्ठे एक हो जाते हैं तो, अगर ये सारे इकट्ठे एक नहीं होते हैं तो 14 अप्रैल के बाद में मेरा कोई भी इनमें से संगठन नहीं है। उन्होंने फिर कहा कि आप डिस्कशन नहीं करना चाहते, आप बताना नहीं चाहते। मैंने उनसे कहा कि आपको शायद हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश आती है, तो मैंने उनको इंग्लिश में जवाब सेम लिखा, यही सारे संगठन मेरे हैं, अगर वो अम्बेडकर आइडियोलॉजी पे या बुद्ध की फिलॉसफी पे हैं 14 अप्रैल तक, अगर इकट्ठे नहीं होते हैं तो 14 अप्रैल के बाद कोई संगठन मेरा नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप ठीक से नहीं बता रहे हैं। तो मैंने कहा आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, मैं आपसे बात कर लेता हूं। उन्होंने फोन नंबर नहीं दिया। फिर उन्होंने अपना लिखा, वो जिस संगठन के हैं उस संगठन के बारे में उन्होंने एक लंबा चौड़ा लिखा उसमें, और उन्होंने बताया कि हमने ऐसा किया है, ऐसा किया है, ऐसा किया है, ऐसा किया है। तो मैंने उनको कहा कि आप दसियों हजार संगठन में से एक संगठन की बात कर रहे हैं और मैं सारे संगठनों की बात कर रहा हूं, सारे संगठन मेरे हैं, ये आपका है। तो उन्होंने कुछ और कहा। तब मैंने उनसे कहा कि आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है, आपकी जो आदत है वो पड़ी हुई है कि आपका एक संगठन होना चाहिए, तो आप मुझसे भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि मेरा भी कोई एक ही संगठन होना चाहिए, एक मेरा आका होना चाहिए, एक मेरा मालिक होना चाहिए, मैं उसका गुलाम होना चाहिए, मैं उसका कार्यकर्ता के नाम से उसका काम करूं, उसके लिए पैसा इकट्ठा करूं, उससे कभी ये ना पूछूं कि तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तेरा मूवमेंट क्या है, हम कहां जा रहे हैं, क्या हमारा नुकसान है, क्या फायदा है, तभी आप इसको आंसर मानोगे। आपको ये बात समझ में नहीं आती कि सारे संगठन अगर मेरे हैं, ये जो आपने अपना संगठन बताया है क्या ये संगठन मेरा नहीं है? क्या ये संगठन आपकी प्रॉपर्टी है? क्या आपने जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे संगठन बनाया हुआ है वो आपका अपना पर्सनल संगठन है? अगर मैं ये कहता हूं कि ये संगठन भी मेरा है तो क्या आप मना करते हो? फिर मैंने उनसे कहा कि आप जो ये संगठन संगठन खेल रहे हो, अगर बाबा साहब होते तो आपके कान के नीचे दो लगाते। उसके बाद वार्तालाप खत्म हो गई, मगर वार्तालाप में एक व्यक्ति ने कहा कि आप बहुत सही कहे, और एक व्यक्ति और नीचे आया, उसने ये कहा कि आपका विचार बहुत गहरा है, और अगर सभी लोग मिलके और इस फलाने नेता को अगर सपोर्ट करें तो इसमें आपका क्या विचार है? अब मेरा माथा ठनका और मेरा दिमाग घूम गया। महाराष्ट्र को है, एक अजीब सी बात है, क्योंकि बाबा साहब का वो वर्क स्टेशन रहा है, कार्य क्षेत्र रहा है, कम भूमि रही है, तो महाराष्ट्र के लोगों का अपना एक राइट मानते हैं कि बाबा साहब पे हमारा अधिकार ज्यादा है, जबकि ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि बाबा साहब तो इंटरनेशनल पर्सनलिटी हैं, पूरी दुनिया का उन पे अधिकार उतना ही है जितना महाराष्ट्र के लोगों का है। और अगर महाराष्ट्र के लोग बाबा साहब पर अपना ज्यादा अधिकार मानते हैं तो वो बाबा साहब के कद को खींचकर छोटा कर देते हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ने नहीं देंगे, वो तो अपना राइट मानेंगे, तो और का राइट होगा नहीं तो लोग मानेंगे क्यों। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों को पहले तो ये सोचना चाहिए कि इस छोटी और संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलें कि बाबा साहब का राइट सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों का नहीं है, महाराष्ट्र के लोग ज्यादा काम कर सकते हैं, कोई भी ज्यादा काम कर सकता है, इससे बाबा साहब का छोटा या बड़ा कद करना उनका अपमान करना है। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र के लोग जितने बुद्धिमान हैं, मैं फिर कहूंगा, मैंने पहले भी कहा था कि वो सारे के सारे आधे बुद्धिजीवी हैं,
वो मेहनत पूरी करते हैं, किताबें पढ़ते हैं और अपने आप में एक अभिमान रखते हैं, रखना भी चाहिए कि हम डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में ज़्यादा जानते हैं, उनकी फैमिली के जो लोग हैं वो भी वहाँ हैं। मगर सोचिए कि बाबा साहब ने जो कहा संगठित रहने के लिए, आप तो संगठित हैं नहीं, आपने तो महाराष्ट्र में दसियों हजार संगठन बना रखे हैं, औरों की तो बात छोड़िए, जो खुद बाबा साहब के परिवार हैं उसमें ही कई संगठन हैं, उसके अलावा जो जानकार हैं उनके कई संगठन हैं। तो आप हजारों संगठन बनाकर, महाराष्ट्र में सैकड़ों संगठन बनाकर क्या कहना चाहते हैं कि आप अंबेडकरवादी हैं? 14 अप्रैल को आप सबसे ज्यादा जुलूस निकालते हैं, आप सबसे बड़ा झंडा उठाते हैं, आप बाबा साहब को सबसे ज्यादा जानते हैं, आप बाबा साहब का 1% भी नहीं जानते। उनका पहला सेंटेंस है संगठित रहो। आपका तो महाराष्ट्र संगठित नहीं है, आपके धर्म के हजारों टुकड़े हैं, आपके दल बल सेना के हजारों टुकड़े हैं, आपके अंबेडकर के परिवार के कई टुकड़े हैं। एक हंसी की बात है कि अंबेडकर नाम पीछे लगा के और अलग अलग काम चल रहा है, यानी संगठन का तो कहीं कोई नाम ही नहीं है। क्या सब अपना अलग अलग पर्सनल एजेंडा बाबा साहब के नाम पे लेके आ रहे हैं? अगर बाबा साहब का एजेंडा ही है तो फिर तो एक ही सब होना चाहिए, और आपके पर्सनल एजेंडे अगर बाबा साहब के नाम पे है तो ये तमाशा क्या है? आप नाम रखते हैं कि हम धम का काम कर रहे हैं, और आपका सारा स्पीच किस पे आता है? पॉलिटिक्स के ऊपर आता है। आप नाम रखते हैं कि हमारा जो काम है वो सबको संगठित करने का है, तो सबको संगठित करने में क्या ये सैकड़ों हजारों संगठन नहीं आते? इनको संगठित नहीं करना है? जब आपके परिवार में ही अलग अलग लोग चल रहे हैं, परिवार ही संगठित नहीं है, तो लोगों को ये समझना चाहिए, उनके अनुयायियों को ये समझना चाहिए कि आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, आप 10,000 साल तक भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहब के पहले सिद्धांत को ही आप नहीं मानते। आपकी देखा देखी और आप ही की तरह से पूरा पैटर्न पूरे भारत में है, और भारत की तो बात छोड़िए, भारत के बाहर भी कई सारे इंटरनेशनल सेंटर बने हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल ग्लोबल पता नहीं क्या क्या बने हुए, सब अलग अलग हैं। तो आप बाबा साहब को हर उनके जन्म दिन के अंदर मारते हैं, सारे संगठन उनका हत्या करते हैं, उनको किल करते हैं, क्योंकि वो बाबा साहब के पहले सूत्र को नहीं मानते जिसमें लिखा हुआ है, कहा हुआ है कि संगठित रहो। आप तो असंगठित हैं, आप तो हर बार असंगठित कर रहे हैं, आप में इतनी समझ नहीं है कि बाबा साहब का एक पूरा संगठन बना के एक जयंती एक तरह से निर्देशित हो। जब सारा काम आप समाज के लिए कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? या तो आप सारा काम समाज के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत है, और अगर समाज के लिए कर रहे हैं तो फिर दिक्कत कहाँ है? जितने भी संगठन हैं उन संगठनों का कोई भी बेस नहीं है, ना ही उनके पास में कोई रणनीति है, ना ही वो आपस में बात करते हैं, ना ही उनमें कोई सामंजस्य है, ना ही उनमें के अंदर कोई भी ऐसी भावना है कि वो मुसीबत के समय एक हो जाएं। एक सबसे बड़ा उदाहरण देखिए कि आज के समय जब महामारी चल रही है, पैंडेमिक चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित है। भारत के अंदर सुविधाएं नहीं है, गरीब लोग पैदल जा रहे हैं, उनके पैरों में फफोले पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग बीच में मर भी रहे हैं, खाने की कोई पता नहीं है, उनके पास कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है, और वो कोई इतने बड़े लीडर के संपर्क में भी नहीं है। ऐसे समय में आप सबको इकट्ठे होकर एक वॉइस में उनके लिए आवाज उठानी चाहिए थी। आप अलग 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 फोटो खिंचवा के काम कर रहे हैं मगर वॉइस कोई नहीं उठा रहा है। तो आप ये मानिए कि आप असंगठित हैं, बाबा साहब के संगठित होने के सिद्धांत को आप जानते ही नहीं है। अगर आप जानते होते तो आपको समझ में आती, और आपके ये जो कार्यकर्ता जो आपने इनको बिल्कुल गुलाम बनाया हुआ है, इनको एक काला चश्मा लगाया हुआ है, इनको भक्त बनाया हुआ है, इनको आजाद कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी प्रशंसा करते हैं, आपसे कभी नहीं पूछते कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया क्या, 10 साल में आप कैसे 29 राज्यों में पहुंच जाएंगे, कैसे आप जो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें कैसे पहुंच जाएंगे, कैसे आप ये 37 स्टेट हैं उनमें कैसे आप जीतेंगे, कैसे काम करेंगे, हमारा वेलफेयर कैसे करेंगे, ये जो पैसा आप इकट्ठा करते हैं इसको खर्च करने की रणनीति क्या है, ये जो आप अलग अलग एक ही परिवार में रह के या एक ही घर में रह के वंशवाद चला के अलग अलग काम करते हैं, इसकी जरूरत क्या है? अगर आप काबिल हैं तो आप सबके साथ चल सकते हैं, अगर आप काबिल नहीं है तो आप अकेले भी क्या चलेंगे, और किसने आज तक क्या रिजल्ट दिया है? 70 साल हो गए, 70 साल में इतने वंश और इतने वाद और इतने व्यक्ति आए, क्या हम व्यक्तियों को आगे बढ़ा रहे हैं? बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि वंश को आगे बढ़ाना है या व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। कोई व्यक्ति सक्षम हो सकता है, कोई वंशज सक्षम हो सकता है, तो वो सबके साथ चलेगा तो रिजल्ट आएगा, अकेला चलेगा तो ना उसका वंशज का
कोई रिजल्ट आने वाला है, ना ही किसी व्यक्ति का आने वाला है, क्योंकि बाबा साहब ने व्यक्ति को अकेले चलने के लिए या वंश को चलने के लिए कभी कहा हो तो मुझे बताइए। बाबा साहब ने संगठित होने के लिए कहा है, सीधे शब्दों में कहें तो संघ बनाने के लिए कहा है, सीधे शब्दों में कहें तो सबको यूनाइट होने के लिए कहा है, सीधे शब्दों में कहें तो यूनिफाइड होकर लड़ने के लिए कहा है। इस मंत्र को आपको समझ में नहीं आता। हमको आप कहते हो इकट्ठे हो जाओ, संगठित हो जाओ, मैं तुम्हारा नेता हूं, मैं तुम्हारा लीडर हूं, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा। हम तो 2 अप्रैल को संगठित हो गए, आप लोग संगठित नहीं हुए, क्योंकि आप तो आधे बुद्धिजीवी हैं। आपको लगता है कि सब आपके पीछे खड़े हो जाएं और व्यक्ति को आगे बढ़ाएं। बाबा साहब ने कब कहा था कि व्यक्ति को आगे बढ़ाना है? बाबा साहब ने कब कहा था कि वंश को आगे बढ़ाना है? बाबा साहब ने कब कहा था कि ऐसी शक्तियों को आगे बढ़ाना है जो मेरे 1000 टुकड़े करें? बाबा साहब ने कब कहा था कि हजारों संगठन बने मेरे नाम पर, तो उनको आगे बढ़ाना है? आप बाबा साहब के अनुयायी हो, कार्यकर्ता हो, या बाबा साहब के भक्त हो, या बाबा साहब के बुद्धिजीवी हो, और अगर आप बाबा साहब के प्रबुद्ध हो, तो मेरा निवेदन बाबा साहब के प्रबुद्धों से है कि कृपा करके, समय बड़ा क्रूशियल है, ये एक तरह से पूरी इमरजेंसी चल रही है। प्रबुद्ध लोगों, आप सब कम से कम इन लोगों को बताइए कि बिना इकट्ठे किए हुए अलग अलग से कहीं कोई रिजल्ट नहीं आने वाला अगले 200 साल में भी। अगर अगले 100 साल में, 200 साल में भी कोई रिजल्ट की स्ट्रेटजी बता दे, कोई प्लान बता दे। बहुत सारे नेता है जिसने कहा कि 10 साल मेरे साथ चलो, मैं आपको रिजल्ट दूंगा, 20 साल मेरे साथ चलो, मैं आपको रिजल्ट दूंगा, मेरा ये प्लान है, मेरा ये प्लान है। सब फ्लॉप हैं, सब एक दूसरे को गाली बक रहे हैं। इतना भी समझ नहीं है कि सबको एक दूसरे को गाली नहीं बकनी है, सबको साथ रहना है। सब एक दूसरे को छोटा बताते रहते हैं और लोगों को कहते रहते हैं कि संगठित हो जाइए, और खुद संगठित होते नहीं। इसलिए 14 अप्रैल चूंकि जा चुका है, अब मेरा कोई भी संगठन नहीं है, मैं आजाद हूं। मैं किसी भी संगठन को कोई पैसा नहीं दूंगा, ना ही किसी की मीटिंग में जाऊंगा। मैं हमेशा ऐसा वीडियो बनाता रहूंगा जिसमें कार्यकर्ताओं को, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो अनुयायी हैं, उनको ये समझ आती रहे कि हमारा कल्याण नहीं होने वाला। हमारे दुश्मन वो लोग नहीं हैं जो हमसे परे हैं, जो हमारे लिए ऐसी रणनीति बनाते हैं जिससे हमारा नुकसान होता है। हमारे दुश्मन वो लोग हैं जो हमें दसियों हजार संगठनों में तोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि एक संगठन से दूसरे संगठन में नहीं जाना है। यही काम पहले के लोगों ने किया, 6743 जाति बनाकर उन्होंने कहा कि जातियों में रहना है, अलग नहीं जाना है। यही काम इन नेताओं ने किया, दसियों हजार संगठन बनाकर। ये नेता एक दूसरे को सहयोग करते हैं, ये नेता कभी नहीं कहते कि सबको इकट्ठा होना चाहिए। मैंने कभी भी समर समाज के SC ST OBC के नेताओं के मुंह से मीटिंग में कभी ये नहीं सुना कि उन्होंने ये कहा हो कि सारे के सारे जितने भी लीडर हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सब आ जाओ, हम सब इकट्ठा होते हैं। कोई नेता नहीं कहता, सब एक दूसरे को गाली बकते हैं और ये कहते हैं मन से कि ये नेता खराब है और ये नेता खराब है। ये काम ठीक वही काम है जो अब से 700-800 साल पहले 6743 जातियों बना के किया गया था कि इस जाति मत जाना, ये जाति खराब है, उस जाति मत जाना, ये जाति छोटी है, ये बड़ी है। वही काम ये नेता कर रहे हैं, दसियों हजार संगठन बना के कहते हैं कि आपको संगठन के उसके व्यक्ति के पास भी नहीं जाना, उस संगठन में नहीं जाना, उसके लिए कुछ करना भी नहीं है, मेरे संगठन में ही रहना है। ये एक दूसरे को छुपा हुआ सहयोग करते हैं। ये नेता जितने भी हैं, ये कभी यूनिफिकेशन की बात नहीं करेंगे, एक साथ इकट्ठे होने की बात नहीं करेंगे, और हमें रोकेंगे भी। वो 6743 जातियों में जिन्होंने हमें तोड़ा, उन्होंने हमें कोई लाभ नहीं दिया, हमारा शोषण किया, हमसे पैसा लिया, हमारा समय लिया, हमारी मजदूरी ली, हमारी खेती ली, हमारी किसानी ली, हमारी बेगारी ली। ये दसियों हजार जो संगठन आज की डेट में बने हुए हैं, ये हमारा पैसा लेते हैं, हमारी मेहनत लेते हैं, हम इनके कार्यक्रम में जाते हैं, इनका झंडा उठाते हैं, इनकी वाहवाही करते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं, इनके लिए लड़ते हैं। 6743 जातियों में जिसने हमें तोड़ा, उसने भी आज तक हमें कुछ नहीं दिया, ना हमें पैसा दिया, ना रोटी दी, ना खाना दिया, ना पानी दिया। ये दसियों हजार संगठन भी आज तक हमारे लिए कुछ नहीं लेके आए, बल्कि जो बाबा साहब लेके आए थे उसको भी ये वापस कर आए, और इन्होंने आवाज तक नहीं निकाली। ये सारे संगठन इकट्ठे होके, एक मुस्त होके आवाज देके ये नहीं बोले कि ये बाबा साहब ने दिया है, हम इसका विरोध करते हैं। रोहित वेमुला की डेथ होती है तो जंतर मंतर दिल्ली के अंदर 5 बामसेफ के संगठन अलग अलग प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं रोहित वेमुला की डेथ का। ये बुद्धिजीवी कहते हैं अपने आप को, कहते हैं हमसे बड़ा कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है, और इनसे बड़ा कोई आधा बुद्धिजीवी नहीं है कि पांचों वहां इकट्ठे भी नहीं हो सकते हैं। जब तुम्हारी विचारधारा एक है, जब तुम्हारा काम एक है, तुम नाम भी एक रखते हो, तो तुम जब प्रदर्शन अलग करते हो, तो सरकार को जो मेमोरेंडम देते हो, वो मेमोरेंडम तो कूड़े में जाता है।
वो आपके मेमोरेंडम को पढ़ेगा कौन? वहां तो हंसते हैं, पांच बाम सेफ का मेमोरेंडम आया, पांचों बाम सेफ, पांचों पे बाबा साहब का फोटो लगा हुआ है और पांचों अलग अलग हैं। बजाओ तालियां, खाओ मिठाइयां, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपस में ही मरने दो। इस समझ में आती है बात आपको कि आप कितने बड़े बुद्धिजीवी और कितने बड़े आधे बुद्धिजीवी हो? आप क्या कहते हो कि हम समाज को जगा रहे हैं? आप समाज को जगा रहे हैं, आपको श्रेय, मगर आप साथ ही साथ समाज को सुला भी रहे हैं। दसियों हजार संगठन में आपको इतनी समझ नहीं है कि अब समय है कि सबको इकट्ठे होकर एक साथ आना चाहिए, या मेरे जैसे लोग, जब हजारों जैसे लोग आपको बिल्कुल छोड़ देंगे, जैसे मैंने छोड़ा। बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत है और बहुत सारे लोग इस समय बड़े परेशान हैं और लगभग छोड़ चुके हैं। कुछ तो विपसना करके जा चुके, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हम तो बुद्ध की शरण में चले गए, हमें जरूरत नहीं है इन लोगों की। कुछ पूरी तरह से शांत हो गए, कुछ हाँ हाँ हूँ हूँ करते हैं मगर करते कुछ नहीं है। कुछ कहते हैं फोन पे, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, और कभी साथ नहीं आते। ये स्थिति क्यों आ रही है? ये स्थिति इसलिए आ रही है कि लोग आपको देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपको जान रहे हैं। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी बुद्धि को खोलिए, अपने को बुद्धिमान बनाइए, आप काबिल बनिए, क्योंकि आप नाकाबिल लोग हैं, आप संगठित नहीं कर सकते। आप काबिल बनिए, संगठित होइए, जैसा बाबा साहब ने कहा है, ताकि लोगों का विश्वास जगे और देश आगे बढ़े, देश की तरक्की हो और हम दुनिया में नाम कमाएं। धन्यवाद।